आपका अपने चैनल साइंस फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अच्छा दोस्तों, चम्मच, एक चम्मच हो जो कि पूरी भरी हो तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ टी स्पून फुल, है ना। लेकिन वो किससे भरी हो? एक पानी से, चाय की पत्ती से, एक आटे से, एक कॉर्नफ्लोर से, है ना। लेकिन उसका वेट क्या होगा? 500 ग्राम भी नहीं होगा, 10-15 ग्राम होगा, एम आई राइट? तो दोस्तों, एक न्यूट्रॉन स्टार को अगर हम, और फिर जो न्यूट्रॉन स्टार है उसके जितने पार्ट उस चम्मच में आ पाए उतना भर दे, मतलब कि एक सिंपल सी स्पून को उसके पार्ट्स में डाल दो, तो उसका वेट कितना होगा? कि अ टी स्पून फुल ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार का वेट कितना? तो दोस्तों बने रहिए टिल द एंड, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों लेट्स बिगिन आवर वीडियो टाइटल्ड व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ टी स्पून फुल न्यूट्रॉन स्टार। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों गजब फैक्ट है कि हमारे को तो इतना पता है कि हम तब थोड़े से यंग होते तो हमारी हड्डियाँ कितनी होती है हमें को वो पता है। तब एडल्ट्स होते हैं जो 18 के ऊपर होते हैं, वो एडल्ट्स की बोन्स कितनी होती है वो भी हमने साइंस में पढ़ा है। लेकिन तब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी बोन्स होगी रे, कभी सोचा? तो दोस्तों मेरा काम ही तो है आपको ये गजब फैक्ट्स बताना। तो उसकी बोन्स होंगी, अ न्यू बोर्न बेबी है बोन्स अराउंड 300 और मोर, मतलब एक बेबी जो कि एक मतलब न्यू बोर्न है उसकी 300 से ज़्यादा भी हड्डी हो सकती है ना, 300 ज़्यादा नहीं, या तो सिर्फ 300, सही है, कितनी हड्डियाँ होती होंगी। और दोस्तों क्या आपको पता है हमारी हड्डियाँ क्यों कम होती हैं, जानना चाहोगे? तो फैक्ट तो नहीं लेकिन बोनस फैक्ट समझ लो, क्योंकि दोस्तों होता क्या, तब हमारी हाइट बढ़ती है तो जो हड्डी होती हैं वो एक दूसरे से मिलके हमारी बोन्स एक दूसरे से मिलके हमारे एक बॉडी पार्ट को स्ट्रक्चर देती है। जैसा आपको पता है कि हमारी बोन फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क में मदद करती है और उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, है ना। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 5 ख़त्म, और शुरू करते हैं हम अपने चौथे फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों आपने तो ये सुना होगा कि एसिड्स, हाँ एसिड्स कितने हार्मफुल होते हैं, हमें ह्यूमन बॉडी को जला सकते हैं। और हाँ दोस्तों अति एक खुलासा वेरी क्विक, को अगर आप पानी में डालोगे एक थैली बन जाएगी, यानी एक प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फेविक क्विक को डालते हो तो वो एक थैली में कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ, अगर आप एक फेविक क्विक डिटॉल में डालते हो तो फ्रीज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि वो गर्म बहुत हो जाता है फेविक क्विक, तब भी हमारे हाथ में लगता है, हमारे को गर्म हाथ लगती है, इसलिए हम लोग पानी में डालते हैं। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपना एक खिलौना जोड़ रहा था, मेरे इंडिया था, चाइना का नहीं था, जोड़ रहा था, फेविक क्विक हाथ में लगी, बहुत दर्द हुआ, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कुछ गर्म सी चीज़ मेरे हाथ में आ गई हो, और तब मैंने अपना हाथ पानी में डाला दोस्तों, अनबिलीवेबल, उसकी एक प्लास्टिक थैली बन चुकी थी दोस्तों। क्या हम लोग घर पर प्लास्टिक बना सकते हैं फेविक क्विक से? पता तो नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ट्राई मत करना, और करना है तो भाई क्रेजी एक्स वाई जेड के चैनल से एक बार पूछ लेना, IIT रुड़की है वो। मैं चौथा फैक्ट ये है कि एसिड्स का तो हमारे को पता चल गया, लेकिन कुछ मेटल्स भी तो बहुत डेंजरस होते हैं जो कि पानी के कांटेक्ट में ही बूम एक्सपोज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे को बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि पानी के कांटेक्ट में आके आते ही एक्सपोज, और उनके तो कुछ नाम आप फेमिलियर भी हो गए, तो आपको बताता हूँ, पोटेशियम सोडियम। जी हाँ दोस्तों, ये दो तो आपने सुने ही होंगे, सोडियम और पोटेशियम, तो सोच लो कितने हार्मफुल हो सकते हैं ये। चलो दोस्तों, एक चीज़ तो तय हो गई है कि
कि अगर ये मेटल्स आपको कहीं मिले तो एक काम करना, बताऊं क्या, उसको पानी से बस दूर रखना। पानी से ही नहीं, अगर लिक्विड भी हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो उससे भी दूर रखिएगा, क्योंकि अगर वो लिक्विड में भी, मुझे पता तो है नहीं इतना, अगर वो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है तो क्या होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने तीसरे फैक्ट की तरफ और देखते हैं क्या धमाकेदार है उसमें। क्या आपको पता है अगर एटम्स, पता तो हो गई आपको, जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो जो एटम्स हैं अगर हम अपनी गैलेक्सी के, नहीं पूरे अर्थ के सारे एटम्स को मिला देना और स्पेस में ले जाए तो इतनी, इतना स्पेस होगा, स्पेस में इतनी जगह होगी, आप सब लोग सोच रहे होंगे स्पेस में इतनी स्पेस कहाँ से होगी, स्पेस में इतनी जगह होगी कि जो ह्यूमन रेस होगी, ह्यूमन जनरेशन, चीनी खाते हो ना उसका जो क्यूब होता है ना उसमें फिट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सारे एटम्स को मिला दें और स्पेस में इतनी तो जगह होती है ले जाएं, तो जो हमारी ह्यूमन रेस होगी ना वो पूरी ह्यूमन रेस बिल्डिंग बिल्डिंग को तो मिला सब एक चीनी के उसमें क्यूब में फिट कर जाएगी, भाई फिट कर जाएगी। लेकिन ऐसा होगा भी, एटम्स को इकट्ठा करना कोई समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई आसान बात तो है नहीं। पहली बात तो वो गैलेक्सी के सबसे छोटे अंश होते हैं, हम सब में एटम्स हैं, जिस कारण हमारे सबसे पहला एटम, उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, फिर तो क्या आते हैं मुझे नहीं पता, इतना मैं साइंस में घुसा नहीं हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट, और हाँ अगर आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ नहीं मिलियन सालों में अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक तो इस फैक्ट पे बनता ही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने, पहले में ही मैं बोल देता हूँ, डोंट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, कोई भी मत करो। लेकिन जिसको अपनी जान पे रिस्क करना है, वैसे कौन रिस्क करते हैं पता नहीं, जिसको भी करना है कर ले, लेकिन प्लीज छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं, जो से 3 साल के और 4-5 के हैं, प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव एसिड होता है वो एक स्टेनलेस स्टील को तक डाइजेस्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बस एक बार हुआ क्या, एक माइकल जॉन्स के इंसान ने किया क्या, लिया एक रेजर, जो नहीं रेजर नहीं कटर, स्टेनलेस स्टील का, मुंह में डाला, गले में गया, अगले दिन पता चला कुछ नहीं हुआ है, जिंदा बच गया दोस्तों, ही वाज अलाइव, इट वाज एन कोइंसिडेंस। हाँ एक कोइंसिडेंस समझ लो ना, अगर एक देखो दोस्तों ओसेफेगस, उसके बाद हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लीवर, ओसेफेगस लीवर, और वो ओसेफेगस हमारे लिए जो गला होता है जैसे फूट जाता है, कितना डेलिकेट होता है दोस्तों, अगर वो रेजर ब्लेड उसका गला अगर अंदर से ही कट जाता था दोस्तों, ऑन स्पॉट ही वाज डेड। लेकिन अगले दिन पता चला कि वो डाइजेस्ट हो चुका था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों वो रेजर ब्लेड डाइजेस्ट हो चुका था। तो सोचो मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव एसिड है क्या वो केमिकल एसिड से भी ज़्यादा पावरफुल है, आपको क्या लगता है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम एक स्टेनलेस स्टील को डाइजेस्ट कर सकते तो हम क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते भाई, ह्यूमन रेस कहाँ तक पहुँचे क्या पता। तो दोस्तों फर्स्ट फैक्ट के पहले, यानी आपने पहले फैक्ट के पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और इफ यू आर न्यू हियर प्रेस दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा था कि एक चम्मच, मतलब कि एक चम्मच है मेरे पास, इधर तो है नहीं, और वो भरी हो एक पानी से, तो उसका ग्राम, उसका वेट कितना होगा, वेट क्या मतलब ग्राम में जाएगा, मिलीग्राम में जाएगा। लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है पता है, न्यूट्रॉन स्टार यही स्टार्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो ज्यादा ग्लो करते हैं। तो दोस्तों अगर न्यूट्रॉन स्टार के मतलब कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, हम उससे एक चम्मच
ऐसे घुसे ने निकाल ले जितना भी पार्ट उसमें आएगा, मतलब वो पूरी चम्मच भर जाएगी, मतलब कि वो टी स्पून पूरी फुल हो जाएगी, तो उसका वेट कितना होगा? गेस करो। 1 क्विंटल, 1 टन, 5 टन, 6 टन? ना, उसका वेट होता है पाउंड्स में, पाउंड, जो कि वेट करेगा आपको 206 पाउंड। ओ भाई मजाक चल रही है भाई, मुझे मारो भाई मारो, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, रियलिटी में अप्रोक्सीमेटली उसका वेट इतना ही जाएगा। तो वो चम्मच, सोच रहे आप, जस्ट इमेजिन अगर न्यूट्रॉन स्टार इधर है, मैं ऐसे निकालता हूँ और उसके पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, तो भाई चम्मच की क्या हालत होगी? हाँ, इसका मतलब तो ये हो गया भाई, चम्मच तो हो गई हमारी एंट, और जो न्यूट्रॉन स्टार्स के जो पार्ट्स होंगे वो हो गए भाई एलिफेंट। एलिफेंट ने रख दिया भाई चींटी पे अपना पैर, चींटी का काम तमाम। तो वो चम्मच कैसे बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी? मतलब ये चम्मच है, इस न्यूट्रॉन स्टार, वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। जस्ट इमेजिन कितना मजा आएगा कि अगर हम लोग स्पेस में हो, ऐसे फैक्ट्स को, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को उधर ट्राई करें, हम ह्यूमन रेस को एक शुगर क्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। सोच रहे होगे ना आप कि इस फैक्ट में, जो शुगर क्यूब का मैंने आपको बताया था, ऐसा लग रहा होगा ना कि हम एक एंटमैन बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, अगर मैंने क्या कहा, एटम्स बहुत पावरफुल होते हैं, एटम्स दोस्तों, एटम्स कितने पावरफुल होते हैं, वो इतने पावरफुल होते कि उन्होंने पहले गैलेक्सी को ही बना दिया यार। गैलेक्सी तो हमसे कोसों दूर है। सोचो यार कि स्पेस, अर्थ, हम, क्या क्या नहीं है इस यूनिवर्स में। लेकिन सबसे मजेदार फैक्ट आपको कौन सा लगा ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और हाँ दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। हाँ दोस्तों, हल्दी है, खाने वाली हल्दी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक जो होती है, क्या आपको पता है जो केरल का डॉक्टर है, बोनस फैक्ट है भाई मेरी तरफ से, एक और बोनस फैक्ट, उन्होंने कोरोना वायरस को मात देने के लिए, उसकी ऐसे तैसे करने के लिए, उन्होंने एक गर्म पानी लिया और जिंक, पता है ना आपको क्या होता है जिंक, वो मेटल नहीं है, एक टाइप का फूड प्रोडक्ट है, उसको गर्म पानी के साथ दिया और उन्होंने ऐसे ही 7, मिस्ट्री ऑफ 7, इसमें भी 7 आ गया, इसमें भी 7 आया, लेकिन वो 7 कोरोना वायरस मरीज ठीक हो गए। इट वॉज अ क्योर, दे वॉज क्योर, वो ठीक हो गए थे दोस्तों। फिर क्या, आपके पास हल्दी तो हल्दी का पानी पियो, ऑब्वियसली हो गई, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, और जिंक हो तो गर्म पानी के साथ भाई जरूर पीजिएगा, कोरोना के तो वही कोई तो कोई चांसेस ही नहीं है भाई, वो आएगा ही नहीं। जिंक से रिलेटेड आपको सब्जियां तो पता ही होंगी, पालक, कद्दू, पंपकिन, होलोई, फिर उसके जो सीड्स होते हैं, आपको इतना सा कुछ तो पता ही है। तो दोस्तों, देर किस बात की, जाओ अभी किचन में, जिंक लो, गर्म पानी लो और कोरोना से लड़ो घर बैठे बैठे और ये सब करके। दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय।